इस्लामाबाद में हुई हैवी बारिश, अगर इतनी बारिश हो तो उसके लिए हम लोग गए बैरियर टाउन में काबुल रेस्टोरेंट और कबाब के बाद दी बेस्ट चाय पीने के लिए दी बेस्ट चीज पराठे के साथ हम लोग गए कोयटा चाय। एक सेकंड, ब्लॉग पूरा आगे बाकी है इसके बारे में और इसके अलावा भी बड़ी इंटरेस्टिंग। इस खूबसूरत से मौसम को जरूर देखें, सुभान अल्लाह, रेनिंग, प्रॉपर रेनिंग। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि मैंने जितने भी कपड़े लाए हुए हैं सब गर्मी के कपड़े लाए हुए हैं, टी शर्ट्स एंड ऑल, और एक शर्ट और एक ब्लेजर। बहुत सर्दी है यार, माशाल्लाह, अमेजिंग। खैर, आज जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह। नमाज तो पढ़ने जाना है, बट लुक एट दिस, लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसे। इसको कहते हैं हीटर। फैसल साहब लगाए हुए, ये क्या कर रहे हैं? टोपी सेट कर रहा हूँ। ये कौन सी टोपी? शावरी टोपी। सेट होगी, कर रहा हूँ, लगाओ। वाह 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 वाह, गीली गीली सड़कें, क्या प्यारा मौसम है हमारे मुल्क में। बहुत सर्दी है यार। ये है जी मस्जिद जिसमें हमने नमाज पढ़नी है इंशाल्लाह। बहुत प्यारी मस्जिद बनाई हुई है। लुक एट द वेदर, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। बाहर से तो बहुत प्यारी है यार, ह्यूज ह्यूज। मस्जिद का नाम है जी जामे मस्जिद मलिक रियाज हुसैन। यू नो वहाँ पे हम लोग सुनते रहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, बट यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना उसके हिसाब से डज नॉट लुक। वो जितने भी बिल्डिंग्स हैं देखें, सब कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। सीम्स एज़ इफ इट्स अ नाइस टाइम कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर। काबुल रेस्टोरेंट, ये है जी रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोगों ने आज का लंच करना है इंशाल्लाह। इस प्यारे से वेदर में ऑफकोर्स हमें बारबेक्यू का दिल क्या आया हुआ था। फैसल भाई हैं, इन्होंने हमें मशवरा दिया जी बारबेक्यू का, अल्लाह वालम कैसा होगा। फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर। वाह, बड़ा जबरदस्त रेस्टोरेंट बनाया हुआ है इन्होंने, अमेजिंग रेस्टोरेंट बनाया हुआ है इन्होंने। ये वाला टेबल हमने चूज किया है जी, यहाँ से ये व्यू मिलता है। ये है जी क्लॉक टावर, ये क्लॉक टावर मैंने दुबई में देखा था और दूसरा इधर देख। ये है जी इनका मेन्यू, यहाँ पे तो बारबेक्यू हुआ है और यहाँ पे इनके पास काबली है। यहाँ पे जी हमें ये है अफगानी टिक्का बीफ पर डजन 1400 रुपए का, डजन का हिसाब होता है। हम ये किए लेंगे, और नहीं ये मटन में भी है, एक बीफ लेंगे एक मटन लेंगे। काबली ना हो तो फिर मजा नहीं है काबली के तरह। और काबली पुलाव एक लेंगे हम लोग जो कि 1000 रुपए का, बस फिलहाल हम लोग यही लेंगे, बाकी इंशाल्लाह शनिवारी वगैरह नेक्स्ट वॉक के लिए। क्या क्या वही बोटी दो दर्जन। ऊपर की जगह भी ठीक थी, बट देयर इज सम अदर प्लेस व्हिच इज डाउनस्टेयर्स व्हिच इज बेटर, जो कि सही नजर आ रही। फैसल साहब ने किया कुछ, अल्लाह आलम, ये वाह देख लें, नीचे बैठ, जबरदस्त। अफगान खाना जब तक आप नीचे बैठ के ना खाएं, एक तक टेक लगा के पूरा इंतजार ना करें तब तक वो फील नहीं आती काबुल ग्रिल या अफगान फूड खाने की, अमेजिंग। और भी हमारे वाले सब भी आ गए, जॉइन कर लिया ना। कभी किसी भी अफगान रेस्टोरेंट में आप जाएं तो दो चीजें बड़ी लाजमी होती हैं, एक होती है नुकल और एक होता है व्हाट यू कॉल ग्रीन टी। ये जी नुकल, ये मीठा होता है, इसको कहते हैं पहले और उसके बाद ऊपर से ग्रीन टी और ऊपर से ये ब्यूटीफुल सा वेदर। ओह, ये ग्रीन टी काफी टेस्टी है, कलर से पता चलता है कि असली और नस्ली ग्रीन टी है। क्या लेमन ग्रास की है? लेमन ग्रास भी है। ये कौन सी है, बीफ है मटन है? नहीं सर मटन है। ये मटन है जी सर। ओके अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम मौला साहब, कैसे हैं? ठीक है आप? ये हम प्लेट लेते हैं सबसे पहले। वाले साहब ने ये लेना शुरू कर दिया, ये था ये मोमो, इनको मोमो कहते हैं बताएं। अच्छा, मंतो और मोमो। हां मंतो मोमो। कैसे हैं फैसल भाई? मजे का, एकदम सऊदी अरब का तो अपना ही टेस्ट है। ये जी मटन की, मटन की जो है ना कलर में थोड़ा सा लाइट है, एंड दिस इज बीफ, और जो बीफ का है ये थोड़ी सी डार्क है। ये ने वाले साहब को पहले दिया जाता है ये बीफ। ये अफगान रोटी है जी, इसके बगैर बिल्कुल अफगान खाने का मजा नहीं आता। ये सर सब साइड पे रखना है, एक हम ले लेंगे बाद में। आपको पता है जो अफगान बोटी होती है उसको निकालने का क्या तरीकाकार होता है? आपने इस सब बोटी लेनी है, जितनी भी सीखे लें, बीफ की ले ली, मटन की ले ली, या आपने रोटी ली, इस तरीके से आपने रोटी में लगाया। अच्छा, ये तरीका क्या है? फिर आप इसको
हिस्सा करके। और फिर जब आप खाते हैं आपने रोटी लेनी है, ये मैं मटन पहले ट्राई कर रहा हूँ, इस तरह आपने लगाना है। और ये बड़ी स्पेशल चटनी होती है, ग्रीन चटनी, लेकिन थोड़ी डिफरेंट होती है बनस्पत हमारी ग्रीन चटनी के। और इस तरह आपने नवाला बनाया माशाल्लाह। फ्रेश गोश्त, मज़े का यार, डिलीशियस है। आपको यहाँ पे कांटा लेना पड़ता है जी। और उसके बाद ये हमारा मंतो जो सऊदी अरब में भी होता है, इस तरह ना, ऑफ कोर्स इट्स एन अफगान डिश। इसके अंदर कीमा होता है, अंदर भी कीमा है, ऊपर भी थोड़ा सा कीमा है। ये जी काबली माशाल्लाह, राइस विद किशमिश गाजर, और इसके अंदर जो है ना छुपा हुआ है गोश्त, ये गोश्त निखर के बाहर आ गए। वाह, लुक एट द ब्यूटीफुल गोश्त। अब वक्त आ गया जी इस चटनी को काबली के ऊपर डाल के ट्राई करने का। जैसे कि आपको पता है कि मुझे चम्मच के साथ खाने में इतना मजा नहीं आता जितना हाथ के साथ खाने। यार पाकिस्तान के गोश्त की भी बात ही कुछ हो रहा है। लुक एट इट, लुक्स सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। आपने ये राइस को करना, चटनी को मिक्स करना और गोश्त के अंदर चावल को डालना। अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वगैरह हमने खा लिया था और अभी हम इस्लामाबाद पहुंचे F7 के एरिया में। ये जी गेम सेंटर जहाँ से हमने लेनी है गेम्स। हमारे भतीजे हैं ना, हमने कहा जी हमें गेम्स चाहिए तो गेम्स लाके सब। ये ऊपर है लेकिन हमें बेसमेंट में जाना पड़ता है गेम स्टोर। G29 ये जी हमने ले आए, एक छोटू के लिए गेम भी लिए, और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक बड़ी स्पेशल जगह पे, पराठे की जगह पे। बॉस कोटा चाय का बड़ा दिल करता है तो चीज पराठे का, तो उसके लिए हम आए अभी। ये जी कोटा चाय, कहते हैं बड़ा फेमस है। यहाँ पे एक अंग्रेज भी आए थे जिन्होंने इधर की कोटा चाय बड़ी फेमस की थी। यहाँ पे हमें बैठने की जगह मिली है लाइट के नीचे, प्लास्टिक का टेबल, ऑफ कोर्स छोटा भाई सामने बैठा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग का रिव्यू करेंगे पराठे का विद चाय। ओहो ठीक ठाक बड़े साइज की चीज डाल रहा है बंदा। बनाने का प्रोसीजर भी बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोसीजर। ये इतना बड़ा पतीला है जी, इस पूरे पतीले में चाय पड़ी हुई है। प्रॉब्लम ये हो गई कि जी चाय आने से पहले बारिश शुरू होगी, इसलिए कह रहे हैं गाड़ी में बैठ के खाना पड़ेगा। बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इधर ही बैठ जाए, थोड़े बादल कम हुए हैं। लेकिन इस जबरदस्त से मौसम में जिसमें मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए, आपको एक गर्मा गर्म दूध पत्ती मिले और उसके बाद ये फेमस चीज पराठा मिले, बस दुनिया में कहीं भी ये इस टाइप की जो एक्सपीरियंस है ना आपको नहीं मिल सकता मेरे नजदीक। बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल चीज पराठा, क्या जबरदस्त एंड द चीज जबरदस्त। वाह, चीज को तो चेक करें यार, मार्गरीटा जैसा लग रहा है, बट लेट्स ट्राई। इसमें मजा आ गया यार, डिलीशियस। और ये दूध पत्ती चाय खालिस दूध की चाय, बड़े मजे की एंड हो गया एक्सपीरियंसेस का, दी मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस इन सच अ ब्यूटीफुल वेदर। आई फील रियली रियली लकी यार। इस चाय की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक चीज मैंने नोट किया बता कि जो चीज पराठे के अंदर इन्होंने चीज डाली हुई ना उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है, बड़े दिल के मालिक थे, ठीक ठाक इन्होंने चीज डाली। ऐसा कैसी है चाय, इतनी ठंडक है, दुआ नहीं कर रहा है मुँह से। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए खैरियत से। बारिश जो है ना ठीक ठाक चल रही है यार इस्लामाबाद में माशाल्लाह। कट दैट स्मॉल नाला इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। पर आज जो है ना मैं अपने भतीजों को भी आपको मिलाऊंगा जिनके लिए हमने ये लाया है, इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं प्लेस्टेशन। ये है जी मेरे एक भतीजे जिनका नाम है उमर। उमर बेटे खुश हो गए बिल्कुल हो गया। ये जी उमर है, ये उमर और बिलाल, इन दोनों के लिए लाया। उमर और बिलाल जो है ना मेरे भतीजे हैं, और जस्ट वन थिंग, ना बोलते ना सुनते, बट दे आर वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आपको ये मिलता है स्टीयरिंग गेम्स खेलने के लिए, कार गेम्स, क्योंकि उमर साहब को कार गेम्स का बड़ा शौक है। और ये ब्रेक्स, क्लच एंड रेस के बिलाल एंड उमर, दे लव इट, दे लव प्लेइंग प्लेस्टेशन। एनी ऑफ, ये था आज का व्लॉग, बारिश अभी तक चल रही है। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान के व्लॉग से। डू सब्सक्राइब, love is